हेलो गाइस, आज फिर लेकर आई हूँ आप सबके लिए साउथ की बहुत ही कमाल की और बेहतरीन टॉप लेवल की टॉप 7 साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवीज, जिसके सस्पेंस आपको काफी हिलाकर रख देंगे दोस्तों। और इस वीडियो की सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों, ये सभी आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ज्यादा समय ना लगाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथ ही नंबर जो मूवी आती है दोस्तों, उसका नाम है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT 2024 के अंदर आई थी। इसके IMDb रेटिंग 8.4 आउट ऑफ द 10 की। मूवी की स्टोरी घूमती है ऐसी SCP महिला के रॉ जो ऐसे रेप केस में उलझ जाती है, जहाँ उसके सामने बहुत ही मिस्ट्रेस जिसको सामना करना पड़ जाता है। अब ये केस उसके लिए तब भारी पड़ जाता है जब वो उससे अपने पास्ट की वजह से पर्सनल अटैच हो जाती है। अब वो मिस्ट्रेस क्या है और वो क्यों अटैच हो जाती है, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी दोस्त। मूवी काफी कमाल की, इसमें सस्पेंस थ्रिलर को टूट के डाले गए, तो आप इसे एक बार कंसिडर कर सकते हैं। और ये वाली मूवी आपको Zee5 पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 6 की मूवी आती है दोस्त, उसका नाम है कुतुब 23, और इसे हिंदी डब में डब किया गया खतरनाक पुलिस वाला के नाम से, और ये 2017 के अंदर आई थी। इसकी IMDb रेटिंग 7.3 आउट ऑफ द 10 की। मूवी की स्टोरी घूमती है ऐसे SCP पुलिस अधिकारी के राउंड, जिसको एक ऐसे महिला मिसिंग केस मिलता है, जिसकी जांच करते करते वो ऐसे केस में फंस जाता है जिससे उसका निकलना मुश्किल ही नामुमकिन होता है। तो आखिर उस केस में ऐसा क्या है और वो पुलिस अधिकारी उस केस से कैसे बाहर निकल पाएगा, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी दोस्तों। मूवी काफी अच्छी स्टोरी प्लॉट के साथ दिखाई गई, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। और ये वाली मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो पांचवें नंबर की जो मूवी आती है दोस्तों, उसका नाम है कुंड्राल पामा में 2023 के अंदर आई थी। इसकी IMDb रेटिंग 7.3 आउट ऑफ द 10 की। मूवी का स्टोरी घूमती है ऐसे परिवार के राउंड जो बहुत सालों से गरीबी झेल रहे होते हैं, मगर उनकी जिंदगी टर्न और ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन एक अजनबी उनके घर आता है और उनको ऐसा ऑफर देता है जिससे उनकी सारी जिंदगी बदल जाती है। अब वो ऑफर क्या है, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी दोस्तों। मूवी काफी बेहतरीन है, इसमें सस्पेंस के साथ आपको ट्विस्ट और टर्न देखने को भी मिल जाएंगे। ये मूवी आपको प्राइवेट व्यू पे देखने को मिल जाएगी। तो चौथे नंबर पर जो मूवी आती है दोस्तों, उसका नाम है सेम बी, 2022 के अंदर आई थी। स्कैम डेबी रेटिंग 8 आउट ऑफ द 10 की। इस मूवी की स्टोरी घूमती 10 साल बच्चे के रॉड, जिसके साथ कुछ लोगों ने मिलकर रेप कर दिया होता है। अब उसकी दादी उसको साफ दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं करती और क्या क्या उन्हें सहना पड़ता है, ये इस फिल्म के दौरान आपको दिखाया गया। और ये वाली मूवी एक मस्ट वॉच भी है दोस्तों, और इसमें सोशल मैसेज भी दिए गए हैं। तो अगर आप एक दुनिया का घिनौना रूप भी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को जरूर ट्राई कर सकते हैं। और ये वाली मूवी आपको हॉटस्टार पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर जो मूवी आती है दोस्तों, उसका नाम है विरूपाक्ष, 2023 के अंदर आई थी। इसकी IMDb रेटिंग 7.2 आउट ऑफ द 10 की। इस मूवी का स्टोरी में दिखाया जाता है कि ऐसा गाँव जहाँ मिस्टर तरीके से गाँव वालों को एक एक करके गायब कर दिया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। अब इसके पीछे क्या मिस्टर है, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी दोस्त। मूवी सब कुछ है, सस्पेंस फिल्म मिस्टर भर भर के दिखाया गया है दोस्तों, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। और ये वाली मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे जो मूवी आती है दोस्तों, उसका नाम आवेश है, 2024 के अंदर आई थी। IMDb रेटिंग 8 आउट ऑफ द 10 की। इस मूवी की स्टोरी घूमती 3 बंदी कराउट जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए नए शहर नए कॉलेज में जाते हैं, मगर वहाँ उनके साथ रैगिंग होने लग जाती है। अब वो रैगिंग से इतना परेशान हो जाते हैं कि वो उनसे बदला लेने के लिए एक गैंगस्टर को हायर करते हैं, मगर गैंगस्टर हायर करने के बाद उनकी पूरी तरीके से जिंदगी बदल जाती है। अब उनके साथ ऐसा क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी दोस्तों। मूवी में सस्पेंस थ्रिलर के साथ साथ आपको एक्शन सीन्स का भी एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है, तो आप ये मूवी एक बार एंजॉय कर सकती हैं। और ये वाली मूवी आपको प्राइम वीडियो पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी। अब जो पहले नंबर पर मूवी आती है दोस्तों, नाम है महाराजा, और ये 2024 के अंदर आई है। IMDb रेटिंग 8.7 आउट ऑफ द 10 की। इस मूवी की स्टोरी घूमती है ऐसे बार्बर के नॉर्ड जिसके घर चोरी हो जाती है, जिसकी वजह से वो पुलिस में खलबली मचा देता है, मगर पुलिस को पता ही नहीं होता वो चीज क्या है जिसकी चोरी हुई है। अब वो चीज क्या है और कैसे पुलिस पता लगाएगी, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी दोस्तों। मूवी में काफी बेहतरीन सस्पेंस टॉप लेवल का दिखाया गया है दोस्तों। मैंने ऐसे मूवी पहली बार देखी, तो मैं चाहती हूँ आप इसे एक बार एंजॉय कर सकते हैं। और ये वाली मूवी आपको हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलती हूँ आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।